कोविड के बढ़ते खतरे के चलते अब 5 दिनों तक ही कार्यालयों में कामकाज निपटाने के सरकार ने आदेश दिए हैं। इसी के चलते आज हमीरपुर जिला में भी कार्यालयों में सन्नाटा पसरा रहा तो कर्मचारियों ने वर्क फ्रॉम होम ही किया। सुबह के समय मिनी सचिवालय में केवल मात्र अतिरिक्त सहायक उपायुक्त ने ही कार्यालय में उपस्थिति दर्ज करवाई। हालांकि इक्का दुक्का लोग ही सरकारी कार्यालय में कामकाज करवाने के लिए आते हुए दिखे हैं, लेकिन कार्यालय में किसी के भी नहीं होने पर उन्हें भी वापिस लौटना पड़ा है। अतिरिक्त सहायक आयुक्त जितेंद्र सांस्टा ने बताया कि कोविड की नई गाइडलाइन के अनुसार अब 5 दिनों तक ही कार्यालय में कामकाज होगा, जबकि 6ठे दिन वर्क फ्रॉम होम किया जाएगा, जिसके तहत आज पहली बार शनिवार को कर्मचारी अपने घरों से ही कामकाज को निपटा रहे हैं। उन्होंने कहा कि कोई भी कर्मचारी अपना स्टेशन नहीं छोड़ सकता है, क्योंकि उसे कभी भी दफ्तर में काम के लिए बुलाया जा सकता है। देखिए, पहले तो जो गवर्नमेंट ने ऑर्डर्स किए थे उसके अकॉर्डिंगली क्लास 3 और 4 कैटेगरी के जो ऑफिसर्स हैं उनको उन्होंने 3-3 दिनों का शेड्यूल बनाया था कि फर्स्ट 3 डेज में कुछ लोग आएंगे, सेकंड 3 डेज। लेकिन अब 28 नवंबर के गवर्नमेंट के ऑर्डर्स हैं, उस ऑर्डर्स के अकॉर्डिंगली जो सभी कैटेगरीज के क्लास 1 से लेकर 4 तक के ऑफिसर्स हैं या जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए 5 डे वीक किया गया ऑफिस से वर्किंग के लिए। तो सभी कैटेगरीज इसमें इंक्लूड हो रही हैं, चाहे रेगुलर हैं, चाहे कॉन्ट्रैक्चुअल हैं, डेली वेजेस हैं, आउटसोर्सिंग पे जो भी एम्प्लॉयज़ हैं सभी को 5 डेज वीक ऑफिस से किया गया है। और जो सैटरडे वर्किंग जो अदरवाइज है, अगर छुट्टी के अलावा कोई वर्किंग सैटरडे है उस दिन वर्क फ्रॉम होम होगा। तो यहाँ से भी हमारे ऑफिस से भी सभी जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं, ऑफिसर्स हैं, ऑफिशियल्स हैं, सबको इंस्ट्रक्शंस दे दी गई हैं। मुख्यतः जिनका काम थोड़ा ऑनलाइन रिलेटेड रहता है, पासवर्ड्स रहते हैं, तो वो घर से आज काम करेंगे। साथ ही साथ सभी इम्प्लॉयज़ को ये भी दिशा निर्देश दिए गए हैं कि कोई भी हेडक्वार्टर छोड़कर नहीं जाएगा और अगर किसी इमरजेंसी के केस में उनको ऑफिस के लिए बुलाया जा सकता है। गौरतलब है कि प्रदेश कैबिनेट ने 28 नवंबर को निर्णय लिया था कि प्रदेश भर में सरकारी क्षेत्र में कार्यरत नियमित या अनुबंध कर्मचारी आउटसोर्स कर्मचारी को 5 दिन ही कार्यालय में काम करना पड़ेगा, जबकि 6ठे दिन घर में रहकर काम निपटाना होगा।